हरदोई के शाहबाद के विधायक रजनी तिवारी ने ग्राम ककरघटा में मिनी स्टेडियम के लिए चयनित भूमि का विधिवत पूजन कर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नींव की ईंट रखी। आपको बता दें कि उनके द्वारा 4,80,00,000 की लागत से बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। नारायण कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रजनी तिवारी ने कहा कि खेलेगा शाहबाद तो बढ़ेगा शाहबाद। विधायक ककरघटा में मिनी स्टेडियम के लिए स्वीकृत भूमि का पूजन करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ककरघटा गांव की प्रतिभाओं में खेल के गुणों को सही दिशा में ले जाया जाए और संसाधन मुहैया करवाया जाए तो हमारे नौनिहाल अपने भविष्य के साथ ही देश का नाम भी रोशन करेंगे। विधायक श्रीमती तिवारी ने हाईवे से स्टेडियम को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर शाहबाद ब्लॉक प्रमुख रोली गुप्ता, टोडरपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्यामू त्रिवेदी, ककरघटा प्रधान प्रतिनिधि रंजीत सिंह, प्रधान मनोज मिश्रा, प्रधान गोविंद पाठक, सर्वेश सिंह व पुतेन सिंह आदि मौजूद रहे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। क्या आयोजन था विधायक जी, किस तरह से इसको देखा जाए? आज हमारी विधानसभा शाहबाद में ककरघटा में मिनी स्टेडियम का शुभारंभ आज हुआ। इसका भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। युवाओं की मांग थी एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। युवा वर्ग इसकी मांग बहुत दिनों से करता चला रहा था। हमारे ग्राम प्रधान कई इसके लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। मैंने इन सब की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और प्रस्ताव दिया। बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकार किया और जल्द ही यहाँ पे इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पैसा रिलीज हो गया, आज इसका भूमि पूजन भी हुआ, सामान भी आ गया है और बहुत जल्दी यहाँ पे मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत 4,80,00,000 है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे कि वो लोग भी प्रयासरत थे, उन्होंने कहा कि इसको बने। वो लोग बताते रहते हैं कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता है, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों के प्रति अपना स्नेह जताया है। उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम परशुराम की मूर्तियाँ लगवाएंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मूर्तियाँ कोई भी लगवा सकता है, उस पर किसी की रोक नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, वो लोग मूर्ति को लगवाएं, उनको किसी ने मना नहीं किया। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी को करना है, सबको साथ में लेकर के विकास कार्य करने हैं, वो सबको साथ में लेकर के विकास काम कर रहे हैं। और बाकी अन्य पार्टियों को जो भी करना है वो अपना काम। उनका आरोप है कि सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है विपक्षी दलों का, उनको तो आरोप लगाना ही है, उनका तो काम है विपक्षी पार्टियों का। वो भी रहे, वो करते ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते थे। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगी, वो जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सबको साथ में लेकर के चलते हैं। उनका मकसद है सिर्फ विकास किया जाए, अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए। और जहाँ पे अपराधियों के साथ के ऊपर शिकंजा कसने की बात आती है जब जब, तब भी हमेशा यही होता है कि चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बीएसपी रही हो, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में खबर है कि वो जल्दी राम मंदिर शिलान्यास के वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। उनका कहना है कि राम किसी अकेली पार्टी के नहीं है, राम सभी के हैं। सही उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए और हमेशा पहले से भी जाते रहते तो और अच्छा होता। सद्बुद्धि है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।